सुप्रीम कोर्ट का मोदी योगी की जोड़ी को सुप्रीम झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें कि हर कोशिश, हर मुमकिन प्रयास करके थक गए मोदी और योगी अंसारी परिवार। उत्तर प्रदेश का वो अंसारी परिवार जिसकी तूती बोली जाती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उसको उसका सफाया करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसले में झटका दे दिया है। आज आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे कि किस तरीके से अंसारी परिवार की एक बार फिर से बड़ी जीत हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मुख्तार अंसारी, जिसे ये बाहुबली मुख्तार अंसारी कहते हैं, बाहुबली विधायक कहते हैं, उनके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी की सदस्यता छिन गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है। पूरी खबर हम विस्तार से तफसील से बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अफजाल अंसारी है कौन, ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर लोकसभा सीट से वो सांसद थे, लेकिन 29 अप्रैल 2023 को गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी, जब 4 साल का उन्हें सजा सुनाया गया। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उनकी सदस्यता को, वो सजा फैसले को बरकरार रखा, लेकिन आखिरकार उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि उनकी सदस्यता को बहाल किया जाए, लेकिन कुछ शर्तें भी दी गई है, और ये भी क्लियर हो गया है कि 2024 में वो आप चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि चुनाव लड़ने पर भी सस्पेंस बना हुआ था कि क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे 24 में या नहीं। अब जानिए कि आखिर अंसारी परिवार का इतिहास क्या है, आखिर वो उनके पीछे जिस तरीके से तमाम, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी बड़े बड़े दिग्गज मुस्लिम नेता थे, तमाम नेता धराशायी हो गए। चाहे हम खान परिवार की बात करें, आजम खान के परिवार की, उनके बेटे विधायक थे, उनकी विधायकी चली गई, उनके आजम खान खुद सांसद थे, विधायक थे, तमाम चीजें छीन ली गई। उसके बाद अतीक अहमद का तो आपने देखा ही क्या हाल हुआ। अब आते हैं अंसारी परिवार पर, जो पूर्वांचल का एक बड़ा और रसूखदार परिवार माना जाता है अंसारी परिवार। आपको बताते हैं कि अफजाल अंसारी, जो जिन्हें बीजेपी के नेता बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े भाई के नाम से पुकारते हैं और कहते हैं ये बाहुबली है, गुंडे हैं, मवाली हैं, इस तरीके के शब्दों से, माफिया है, इन तरीके के शब्दों से नवाजते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अफजाल अंसारी 5 बार गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सीट से विधायक रहे और 2 बार वो सांसद चुने गए हैं, और 2019 में उन्होंने 1.25 लाख वोटों से भाजपा के कद्दावर और दिग्गज नेता मनोज सिन्हा को चुनाव में पटखनी दी थी, वो भी तब जब मोदी की आंधी थी पूरे देश में, और वो भी बनारस की बगल वाली सीट से, जहां से मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे बनारस से, उससे ठीक सटी हुई सीट है गाजीपुर। गाजीपुर से अफजाल अंसारी ने उनके काफी करीबी, काफी कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज सिन्हा को 1.25 लाख वोटों से पटखनी दे दी। और ये भी जानना बड़ा ही दिलचस्प है कि जो गाजीपुर सीट है वो एक ऐसी सीट है कि जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जब बड़े बड़े दिग्गज मुस्लिम नेता मुस्लिम बहुल सीट से धराशायी हो गए, चारों खाने चित हो गए, तो अफजाल अंसारी, गौर से सुनिए, जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई है अफजाल अंसारी, वो जो गाजीपुर सीट है वहां से चुन कर आए हैं, वहां से आप जानिए, जानकर हैरान रह जाएंगे कि 85% वोट जो है वो हिंदुओं का है, हिंदू पॉपुलेशन है, और सिर्फ 15% मुस्लिमवादी है। वहां से वो जीत करके लोकसभा में पहुंचे थे, उसके बावजूद उनको एक तो चुनाव में उनको हरा नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी, फिर उसके बाद तमाम तरह की कोशिशें जो कर रहे थे, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, उनके सदस्यता कोर्ट के माध्यम से सदस्यता छीनने की भरपूर कोशिश की गई, भरसक प्रयास किया गया, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अफजाल अंसारी की सदस्यता को बहाल किया जाए और उन्हें हक है संसद में जाने का, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का, और 2024 में भी वो संसद में संसद का चुनाव लड़ सकते हैं। जो सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर 2024 में अंसारी परिवार के अलावा कौन होगा यहां से उम्मीदवार, कौन लड़ेगा चुनाव, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि अफजाल अंसारी ही मैदान में होंगे 2024 के गाजीपुर लोकसभा सीट से। और आपको मैंने ये भी बताया कि जो वो जो सीट है वो भारत की एक लौती ऐसी सीट है जहां पर मुस्लिम सांसद है और हिंदू पॉपुलेशन है, हिंदू आबादी है, अब वो भी बनारस से सटी हुई, जो वाराणसी जहां से प्रधानमंत्री हमारे खुद सांसद है उससे सटी हुई सीट है, और मनोज सिन्हा जो कि कभी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे, कद्दावर नेता है, और अभी इस वक्त मौजूदा वक्त में वो जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल है। इतनी बड़ी हस्ती को वो हरा कर आए थे, चुन कर आए थे, 5 बार के विधायक थे, 2 बार के सांसद,
उनको आज बड़ा उनको उन्होंने राहत की सांस ली है जब सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम फैसला आया है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम झटका दे दिया है योगी और मोदी को, शायद इनको चुनाव में नहीं पटकनी दे पा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अगर राजनीतिक मतलब निकाले कि 2024 में इसका क्या असर पड़ेगा, तो आपको बता दें कि 2024 को लेकर के जो निगाहें हैं वो सबकी टिकी हुई है, क्योंकि पूर्वांचल में अंसारी परिवार का अच्छा खासा रसूख है। आपको बता दें कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा की आंधी और लहर चली, लेकिन भाजपा अंसारी बंधुओं की वजह से गाजीपुर की सात सीटों पर हार का मुंह देखी, मऊ में 4 में से 3 सीटों पर हार का मुंह देखी। और फिर आपको बता दें कि जो विधान 2022 की विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, और साथ ही आजमगढ़ में भी काफी नुकसान झेलना पड़ा। तो शायद भाजपा को यह लगता है कि अंसारी बंधु के रहते हुए हम जो उनकी जो कोशिश है कि एक छत्र वर्चस्व बनाना, बार बार नाकाम होने के बाद भाजपा अब हर तरह के हथकंडे अपनाने के बाद, क्योंकि उन्हें पता है कि 2024 में जो चुनाव होना है, जो मुकाबला होना है, वो बड़ा ही दिलचस्प होना है। तो जो सीट पर भाजपा खुद नहीं जीत पाती, उनकी कोशिश ये होती है किसी तरह का हथकंडा अपना करके कोर्ट के माध्यम से उसे साफ किया जाए। तो इनको पता है भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से कि पूर्वांचल में एक क्षत्र वर्चस्व तभी आ पाएगा जब अंसारी परिवार को सामने से हटाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है वो भारतीय जनता पार्टी को काफी निराशा हाथ लगी है। आपको बता दें कि अंसारी परिवार का कितना बड़ा वर्चस्व है और कैसा वहां पे उनका रसूख है और किस तरीके का कि लोग उनसे प्यार और मोहब्बत करते हैं। आप इस बात को देखिए कि 2019 के चुनाव में मनोज सिन्हा को 1.25 लाख वोटों से पटखनी दी। मनोज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और वरिष्ठ नेता में से एक आते हैं, उनको उन्होंने हराया। और साथ ही वो भी तब जबकि हिंदू बहुल सीट से एक मुस्लिम सांसद, जबकि बड़े बड़े दिग्गज मुस्लिम नेता मुस्लिम बहुल सीटों से चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन अफजाल अंसारी और अंसारी परिवार का इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का लोगों में लोकप्रियता है कि 85% हिंदू पॉपुलेशन वाले यानी हिंदू बहुल क्षेत्र से वो जीत करके आए। और अब विधानसभा के चुनाव की बात करें तो गाजीपुर वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। 2022 में भाजपा का यहां पर खाता नहीं खुल पाया। और आजमगढ़ में 10 विधानसभा की सीटें हैं, 10 की 10 सीटों पर जो सपा को कामयाबी मिली, भाजपा को निराशा हाथ लगी। मऊ में 4 में से 3 सीटों पर सपा को हाथ लगी और भाजपा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक आए, जो खुद मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी मऊ सदर से जीत करके आए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा था कि प्रधानमंत्री खुद वाराणसी से आते हैं, योगी आदित्यनाथ खुद पूर्वांचल गोरखपुर से आते हैं, तो एक क्षत्र वर्चस्व और राज भारतीय जनता पार्टी का हो। लेकिन अंसारी परिवार कहीं ना कहीं इनके लिए रोड़ा आ रहे हैं, बार बार साबित हो रहे हैं। तो इसलिए किसी भी तरीके से किसी भी हालात में अंसारी परिवार का राजनीतिक रूप से सफाया हो ये कोशिश थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुनाते हुए अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई की सदस्यता बहाल कर दी है। और अब ये भी साफ हो गया है कि 2024 में वही दम भरेंगे और उस वही होंगे प्रत्याशी 2024 में गाजीपुर लोकसभा सीट से। आपको क्या कैसी लगी इस वीडियो, कमेंट कर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।